हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका विक्रम विष्ट एक और नए ब्लॉग के साथ। आज हम जा रहे हैं सेक्टर 29 लेजर वैली पार्क है, वहाँ पे मेला लगा हुआ है। और मैं अभी तो फिलहाल मैं और श्वेता जा रहे हैं। ये जो ब्लॉग है ये 2 दिन का ब्लॉग होगा। इसमें एक दिन मैं और श्वेता जा रहे हैं और नेक्स्ट दिन मैं, श्वेता और मम्मी अकुडी जा रहे हैं, पापा नहीं जा रहे थे। तो ये मैं एक ही ब्लॉग में डालूंगा दोनों चीज अलग अलग एक दिन के। तो चलिए आप देखिए और इंजॉय कीजिए। यहाँ पे मेला लग रहा है सरस के नाम से। तो मैं आया हूँ, काफी टाइम बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सारा कुछ सीन जो मेले में हो रहा है, देखिए आप। जहाँ मेले में आया हूँ अभी मैं, उन सेक्टर 29 लेजर वैली पार्क में गार्डन जो ग्राउंड है वहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी हैंडलूम की हैं, जो अपने अपने इंडिया की जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के लोग आए हुए हैं और जो जो बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट, जैसे जो होता है वो आया है। और हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनको प्रमोट किया है, आया बुलाया है इनको, तो यहाँ पे तो आपको दिखा ही रहा हूँ धीरे धीरे करके। आपको उत्तराखंड का भी दिखाया, तो फिलहाल आप देखते रहिए। आज का दिन खास है भाई दोस्तों, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। आज हम पैदा हुए थे तो अब केक काटेंगे, तो आपको केक दिखाता हूं मैं। और ये केक भेजा है मेरे को नितिन और नेहा ने। दोस्तों ये है केक जो नेहा और नितिन ने भेजा हुआ केक है मेरा बर्थडे के लिए। आप देखिए, और सामने पापा बैठे हैं तैयार बिल्कुल। कुछ बोलोगे पापा? हैप्पी बर्थडे विक्रम बेस्ट। और दोस्तों देखो, श्वेता भी आ गई है, पर श्वेता ने अपने अपने कान से अभी हेडफोन नहीं उतारा है, अब उतारेगी। पता नहीं उतारा नहीं उतारा, साइड में कर दिया है इसने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विक्रम, हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you.
दोस्तों, ये आया हुआ सामान खाने का, ये नितिन और नेहा ने भेजा हुआ है, तो दिखाता हूँ आपको। अब ये निकाल रहे हैं। फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पे मेले में आ गए। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि हम मेले में आए हुए हैं, और देखो इस बार मम्मी और गुड्डी भी आई हैं, पर पापा नहीं आए, तो हम जरा आपको दिखाता हूँ सारा। सारे स्टॉल पे लिखा हुआ है कि वो कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देयर इज अ कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स एंड पॉटरी एंड आयरन, कास्ट आयरन प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एंड आई फील दैट इट इज अ वेरी वेरी गुड अरेंजमेंट, बट इट सैडन्स मी दैट द काइंड ऑफ अरेंजमेंट दैट द गवर्नमेंट हैज डन, there aren't a lot of visitors. It could be because it has been here, the fair has been open for more than a week now, so maybe all the people have already visited, but it should be promoted more.
एंड आई फील लाइक बाइंग एवरीथिंग फ्रॉम एवरी स्टॉल विच इज नॉट पॉसिबल बट या इट फील्स माई हार्ट एंड टू सी द इनक्रेडिबल इंडियन आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट्री and do visit it is there till 11th of this month so I would encourage everyone to visit here and contribute their part and appreciate the kind of artists that we have in India dosto ab aa gaya ghar aapko bhi dikhaya pura mela और हर पूरे दिखाया कि पूरी स्टेट अपने इंडिया की जितनी भी स्टेट थी वहाँ सारे सबके लगा हुआ है बहुत मजा आया भाई ये 11 तारीख तक लगा हुआ है तो आप जब भी है जा सकते हो सुबह 11 से शाम के रात के 9:30 बजे तक है ये ब्लॉग मैं ही एंड करता हूँ अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ और इसी के साथ टाटा